हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं अरबी मसूर दाल रेसिपी। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो ये मैंने एक कटोरी ले ली है मसूर की दाल, लाल वाली, ठीक है, छिलके उतरे हुए। और ये मैंने ले ली है 250 ग्राम अरबी। तो इसको हम छील लेते हैं। तो सारी अरबी को हम इसी तरह से छील लेंगे। तो ये छीलकर जो बड़ी अरबी थी ना, उसके मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं और छोटी अरबी को ऐसे ही रहने दिया है इस तरह से, और धो लिया है अच्छे से। तो चलिए अब हम इसका मसाला बनाते हैं। तो मसाले के लिए मैंने एक प्याज ले लिया है, बड़ा प्याज है ये, तो इसको पीस लिया है, ठीक है। तो अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो लहसुन अदरक का हम पेस्ट ले लेंगे 1 चम्मच, और फिर हम इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच, या स्वाद के अनुसार डाल दें आप। और फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च 1 चम्मच, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हल्दी, और इसमें हम ये 3 से 4 हरी मिर्च कट कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर मिला कर रख देते हैं। चलिए पकाते हैं इसे हम। बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से बनने वाली है ये सब टेस्टी सब्जी। तो ये तेल को मैंने गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन ही डालें इसमें, बहुत ही टेस्टी लगती है इससे तड़का लगाएंगे आप। तो इसे डालकर हमने जो मसाला बनाया था ना, वो डाल देंगे। तो ये मसाला डालकर इसे अच्छे से भूनेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 1-2 मिनट भून लेते हैं इसको। तो ये देखिए 1-2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम अरबी डालेंगे और अरबी डालकर इसे अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता तब तक इसे हम भूनते रहेंगे, ठीक है, चला चला कर। गैस का हम फ्लेम तेज रखेंगे। तो चला चला कर इसे अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए भून चुकी है, तेल अलग हो गया है। तो अब इसमें हम दाल डालेंगे। तो दाल को मैंने धो लिया है, और अब इसमें हम दाल डाल देते हैं। तो इसमें हम पानी लगाएंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से जब दाल बनाते हैं ना, उस हिसाब से लगा दें। तो ये मैंने 1 कटोरी दाल ली थी, ये 5 लीटर का कुकर है, तो इसमें मैं 1/2 कुकर पानी लगाऊंगी, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से देखकर लगा दें, और फिर इसका ढक्कन लगा दें, और सिर्फ 2 सीटी ही लगने दें इसमें। तो अब इसका हम ढक्कन लगा देते हैं, और सिर्फ 2 सीटी ही इसमें आने देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी से पक जाती है, और फिर उस सीटी उसी में रहने देना है, हमें निकालना नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये खुद से सीटी निकल जाएगी, तभी हमें खोलना है ढक्कन, ठीक है। तो 2 सीटी आने देते हैं इसमें हम। ये देखिए 2 सीटी आ गई हैं, और थोड़ी देर मैंने ऐसे ही रहने दिया, सीटी खुद से निकल चुकी है। अब हम इसका ढक्कन खोल लेंगे। ये देखिए पक कर तैयार है बिल्कुल, और ये बहुत ही जल्दी से बनने वाली है अरबी दाल, और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चावल, रोटी, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है ये, और एकदम बनकर तैयार है। तो बस 2 ही सीटी में ये बन जाती है। तो इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये टेस्टी मज़ेदार अरबी दाल की सब्जी बनकर तैयार है। तो आप भी बनाएं और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इसी तरह की जी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।